गुड मॉर्निंग क्लास 8, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। ओके, सो क्लास 8 वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 3 इन सिविक्स एंड द नेम ऑफ लेसन नंबर 3 इज़ द नीड फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो पार्ट्स देख लिया इस चैप्टर में, तो अभी यहाँ पे आपको हमें कुछ कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा दोनों पार्ट्स को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लेसन नंबर 3 में हम लोग पेज नंबर 323 से शुरू करने वाले हैं। तो हमने आप लोगों से लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था कि हमें ये बताइएगा कि लोकसभा का कौन सा टेन्योर चल रहा है करंट में, और करंट स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा के, उनका नेम बताना था। तो आई होप कि सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा। आई विल चेक एंड विल अगेन रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ोगे तो इसी में हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फ़ोटो देख सकते हो, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे और ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद साहब। तो क्या लिखा है बच्चों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स सर्टेन मेंबर्स टू द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे देश के, वो भी लोकसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेंबर्स भी इलेक्ट होकर के आते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, और राज्यसभा में भी वो नॉमिनेट करते हैं। तो देखो, ही नॉमिनेट्स टू मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दो मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के नॉमिनेट करते हैं, अंडरलाइन कर लो बच्चों, आउट ऑफ 445 मेंबर्स। तो 445 मेंबर्स में से दो मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। लेकिन बच्चों अभी ये रीसेंट की न्यूज़ है, अभी रीसेंट की ये न्यूज़ है, ठीक है, 2020 की न्यूज़ है कि अब जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के दो मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो इस न्यूज़ के बारे में भी आप लोग जा कर के पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। खैर, आपकी किताब में लिखा है तो हम आप लोगों को बता देते हैं, जो 2020 तक थे वो इलेक्ट नॉमिनेट करते थे, लेकिन अभी लोकसभा में वो नहीं करे, अभी खाली राज्यसभा में वो 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। दीज टू मेंबर्स आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये दोनों मेंबर्स होते थे, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, लेकिन आपकी किताब में लिखा है कि होते हैं, क्योंकि किताब आपकी पुरानी एडिशन हो गई है। एंड दे रिप्रेजेंट दिस कम्युनिटी इन पार्लियामेंट। आगे बढ़ो, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, जो 12 लोग होते हैं उनको कौन प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं आउट ऑफ 245 मेंबर्स। अच्छा, सम ऑफ द मेंबर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन द पास्ट आर, देखो कुछ जो राज्यसभा मेंबर्स जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए वो लोग कौन कौन थे, देखो पोएट मैथिली शरण गुप्त, देखो महान कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये थे। फिर सिंगर जो थे लता मंगेशकर, इनको नॉमिनेट किया, ये तो हैं अभी भी, देखो फ़ोटो बनी लता मंगेशकर की, मैथिली शरण गुप्त का भी फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है। शबाना आज़मी को भी नॉमिनेट किया, और खुशवंत सिंह जो कि जर्नलिस्ट हैं इनको नॉमिनेट किया। तो यहाँ से बच्चे तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि ये जो महान महान शख्स हैं, जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया है अपने अपने फील्ड में, जैसे कि लता मंगेशकर ने म्यूज़िक के सिंगिंग के फील्ड में अपना नाम कमाया है, मैथिली शरण गुप्त ने पोइट्री लिखने के फील्ड में अपना नाम कमाया, तो मतलब ऐसे महान महान जो एमिनिस्ट हैं उनको ही इलेक्ट नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। चलो, यू हैव स्टडीड द कंडीशंस नेसेसरी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा। तो लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कैंडिडेट को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी चीज़ों में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को कौन कौन से क्वालिफिकेशन को पूरा करना होगा। पहला तो जो दोनों के केस में था, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई फॉरेनर आकर के फिर से हम पर राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा, लोकसभा का मेंबर बन जाएगा और ब्रिटिशर्स के तरीके से फिर हमारी खटिया खड़ी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में कितने साल का होना चाहिए, वो 30 ईयर्स ऑफ एज होना ही चाहिए, 30 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए। फिर वही कहानी, दूसरा आपका स्टेटमेंट दोनों ही में सेम है कि कोई भी सरकार के अंडर में प्रॉफिट
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड नहीं करना है, मतलब सरकार का ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी से काम नहीं करना होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को दो दो जगह पे लगा दिया जाएगा। नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड इंसॉल्वेंट, ऐसा नहीं है कि वो भगौड़े ना हो, ठीक है, बैंक का पैसा लेकर के भाग गए। बी मेंटली साउंड, मतलब पागल नहीं होने चाहिए, दिमाग से सब कुछ हेल्दी होने चाहिए, ठीक है बच्चों। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द जनरल इलेक्शंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है सेंटर में। सेवरल जनरल इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारे जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट एट द सेंटर सिंस इंडिपेंडेंस। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अलग अलग वो स्टेट सरकार बनाती आई है। चलो तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिया गया है जो कि 8th लोकसभा इलेक्शंस का है, तो मतलब 8th लोकसभा जब इलेक्शन हुआ था कौन साल में कंडक्ट किया गया, 1984 में, और उसमें किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं इसमें आप लोग देख सकते हो। तो क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे नेम है और यहाँ पे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए गए थे जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें उसमें आप लोग देख सकते हो। 1984 का इलेक्शन है, ये बहुत ही एक कह सकते हो आप लोगों की एकदम जिसमें जिस इलेक्शन में जिस लोकसभा के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को सहानुभूति मिली थी और वो सबसे ज़्यादा सीट्स वही जीता था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। चलो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स मिली, दो में दो सीट्स, एक सेकंड बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताने वाले थे कि जो रिजल्ट्स थे 8th लोकसभा इलेक्शंस के, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404 सीट्स मिली है, और देखो आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है, दो सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 6 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 22 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप को 4 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404 सीट। मतलब समझ सकते हो कि आप 514 में से 404 सीट्स मिल रही हैं, मतलब कि मेजॉरिटी ही मेजॉरिटी यहाँ पे है ना। जनता पार्टी को 10 सीट, लोक दल को 3, ऑल इंडिया अन्नाद्रमुक डीएमके जो हो गया आपका वो कितनी सीट्स मिली उसको, 12 सीट्स, ठीक है। फिर उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र खसगम डीएमके जो पार्टी है ये 2 सीट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, इंडियन कांग्रेस जे 1, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट, केरल कांग्रेस 2, मुस्लिम लीग को 2 सीट, पीजेंट्स वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीट, तेलुगु देशम पार्टी को 30, ठीक है, और इंडिपेंडेंट्स को पाँच सीट। तो टोटल मिल के 514 सीट्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि अलग अलग जो पार्टीज हैं अलग अलग पार्टीज़ के जो नेता लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो देख रहे हो कि यहाँ पे कितना वो लोग कितना सिक्योर कर पा रहे हैं सीट इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ मैं आप लोग बताने वाली थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप देख रहे हो यहाँ पे 404 सीट्स उनको मिल गई, तो मतलब 514 में से 404 सीट्स मिल गई। और इसको यहाँ पे आपको 8th लोकसभा इलेक्शन का ही रिजल्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये वाकई में हिस्टोरिक है, क्योंकि यहाँ पे 514 में से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 404 सीट मिल जाएगी तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, मतलब इतना मेजॉरिटी में ले आना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे हिस्ट्री है आप लोगों को ये समझ लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट्स क्यों मिली थी, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया था। और जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो अब उनकी डेथ हो गई थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सहानुभूति दिखाने के लिए लोगों ने हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इतने सारे सीट्स दे करके लोगों ने उसको जिताया और ये राजीव गांधी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलो यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, द लोकसभा इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड इन असम एंड पंजाब ड्यूरिंग 1984 ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। देखो बच्चों यहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो असम
और पंजाब में नहीं हुए थे 1984 में, क्योंकि वहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। एक्चुअली मैं क्या होता ना कि सरदार जी ने ही मार दिया था, गोली छोड़ा दिया था इंदिरा गांधी जी को हमारे, और फिर उसके बाद से पंजाब में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वहाँ पे मतलब पुलिस को बहुत लगना पड़ा था ताकि और ज़्यादा परेशानी ना क्रिएट हो जाए, भगदड़ वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए उस टाइम पे वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए थे। डिड यू नो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड इन द ईयर 1921। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन से साल बना था? 1921 में। जल्दी जल्दी करेंगे आप। पीपल कैन विजिट इट थ्रू आउट द ईयर बट विद प्रायर ऑफिशियल परमिशन। तो पीपल यहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। हाउएवर एंट्री इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे बिना आप कोई पैसे दिए आप लोग जा सकते हो, लेकिन आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ोगे, फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं ये देखोगे फटाफट। और क्या लिखा है पहले बच्चों? सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे मेन काम तो यही है कि पहले तो नेशनल गवर्नमेंट की सरकार जो है चुनो, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में आएगी वही जीतेगी। जैसा कि आप लिखा है, यू हैव ऑलरेडी स्टेट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, हम रीडिंग करते चलेंगे, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दिया है। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स द नंबर ऑफ MPs बिलोंगिंग टू एवरी पोलिटिकल पार्टी विच हैज़ कॉन्टेस्टेड द इलेक्शंस। तो जब हो जाते हैं जनरल इलेक्शंस तो एक लिस्ट बनती है जिसमें MPs के नेम होते हैं और उनके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे हो ना 1984 के इलेक्शंस की, इसी तरीके से बनती है। वो पार्टी जिसमें सबसे ज़्यादा MPs इलेक्टेड होंगे, जैसे कि 1984 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस में 404 MPs आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही क्या करेगी, सरकार बनाएगी। ठीक है, सिंस देयर आर 445 सीट्स इन द लोकसभा, 545 सीट है लोकसभा में, पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ 545 विच इज़ 272 मेंबर्स। तो मेजॉरिटी में आने के लिए, अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इस सरकार को जब मेजॉरिटी में आ जाएगी तो ये सरकार बनाएगी। माई मेजॉरिटी होता है क्या ये तो बताओ पहले। तो मेजॉरिटी मतलब आधी सीट्स, मतलब 445 का अगर आधा हम लोग कर देंगे तो 272 के लगभग आ जाएगा, और 272 मेंबर्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वही अपनी सरकार बनाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे उसी मेजॉरिटी के, उसी पॉलिटिकल मेंबर पार्टी के होंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ 272 इलेक्टेड मेंबर्स और मोर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन इन पार्लियामेंट। और बाकी के जो बचे रह गए, जो मेजॉरिटी में आ गए उसने तो सत्ता बना लिया, बाकी जो बचे रह गए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जो अलग अलग और अदर पॉलिटिकल पार्टी के थे, वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग अपोजिशन बना लेंगे। इंटरेस्टिंगली ऑल्दो द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विच डू नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट पार्टी अमंग ऑल दीज पोलिटिकल पार्टीज हु अपोज द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिशन में मेजॉरिटी तो है नहीं, फुटकर लोग हैं, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे बीजेपी से आ गए, एक कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पे आ गए थे 1984 के इलेक्शंस में, देख सकते हो 2 बीजेपी से आए, 6 कम्युनिस्ट पार्टी से आए। तो ये लोग तो छोटे छोटे, मतलब एक इनकी जनसंख्या तो कम है, ठीक है, तो ये इसमें सब कौन अपोजिशन बनेगा, सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तेलुगु देशम पार्टी 30 सीट्स, मतलब ये जो कम जिन्होंने जीता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कम नंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके आए हैं, उनमें से भी जिस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी का दर्जा दे देते हैं। चलो, तो राज्यसभा इन सेशन यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द लोकसभा इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा जो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करता है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा। अब एग्जीक्यूटिव क्या, अंडरलाइन करो, द एग्जीक्यूटिव विंग हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट द लॉज ऑफ द लैंड। तो बच्चों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनके अंडर में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं ना, उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, पूरे मंत्रीगण मिलकर के नहीं, वो अलग हो गए, वो पूरा लेजिस्लेचर में आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव वो कौन होते हैं, जो 15 जो वाकई में जो 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बनते हैं, जैसे कि आपके होम अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो इनको हम लोग एग्जीक्यूटिव विंग बोलते हैं। लॉज आर मेड इन पार्लियामेंट व्हेन द टर्म गवर्नमेंट इज यूज्ड, ऑफन दिस मींस द एग्जीक्यूटिव। तो जब हम लोग बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट में ये लॉ बन रहा है, सरकार बना रही है, तो सरकार एक्चुअली में वो सरकार पूरी सरकार नहीं होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं जो इतना लंबा
ढेर सारे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाकई में इतने लोग, 445 लोग बैठे हुए, वो सब लोग नहीं बना रहे एक्चुअली में, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो सरकार बना रही है। चलो आगे बढ़ोगे, द एम पीज ऑफ द पोलिटिकल पार्टी विच हैज़ वन द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स इलेक्ट अ लीडर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकसभा इन सेशन, इसकी भी फोटो देख लो। फिर क्या बताया जा रहा है कि जो एम पीज है पोलिटिकल पार्टी के, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जिन्होंने जीती है, वही लोग क्या करते हैं आपस में चुन करके बनाते हैं एग्जीक्यूटिव। दिस लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। और यहाँ से जो लीडर चुन करके आते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा जीतती है, फिर उसके जो लीडर होते हैं, जो एम पीज जो लीडर को चुनते हैं, वही हमारे क्या बन के आ जाते हैं, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स एम पीज फ्रॉम हिज पार्टी हुम ही वॉन्ट्स टू बी मिनिस्टर्स एंड हेड वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ही हमारे अलग अलग मिनिस्टर्स को चुनते हैं। दीज मिनिस्टर्स वर्क अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट वेरियस डिसीजंस। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं और अलग अलग डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। मिनिस्टर्स हेड मिनिस्ट्रीज सच एज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड सो ऑन। चलो, द प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ ऑफ ऑफिस मतलब शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण एक सेरेमनी होता है जिसके अंतर्गत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लोग कसम खाते हैं कि हम लोग अपने सरकार के, अपने अपने लोगों के हित में काम करेंगे। तो ये ओथ सेरेमनी कौन कंडक्ट करवाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? हमारे प्रेसिडेंट साहब करवाएंगे। ओके, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट इन अ जनरल इलेक्शन नो सिंगल पार्टी विंस मोर मैन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो उसमें कोई भी पार्टी नहीं मेजॉरिटी में आ पाएगी, मतलब हाफ सीट, 445 मेंबर्स हैं टोटल, उसमें 272 जीतना है सीट्स, तो कोई नहीं जीत पाएगी। तब इस केस में क्या होगा, नो सिंगल पार्टी विंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कोई एक सिंगल पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को नहीं जीत हासिल की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे सरकार बनेगी? तो सच सिचुएशन अरोज इन द 1999 जनरल इलेक्शंस। तो 1999 जनरल इलेक्शंस जब हुए थे तो ऐसे सिचुएशन हो गया था, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, 272 सीट्स नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे सरकार बनी हुई होगी? हैंस नो पार्टी कुड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो कोई भी सरकार अपनी चुन नहीं पाएगी, सरकार बनी नहीं पाएगी, तब क्या करना होगा? तब करना ये होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग सिमिलर व्यूज और कंसर्न्स फॉर्म द कंट्री केम टुगेदर टू फॉर्म अ कोअलिशन गवर्नमेंट। तब ऐसी स्थिति में हमारी कोअलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, कोअलिशन मतलब गठबंधन वाली सरकार बनेगी, मतलब अलग अलग जो पार्टीज है जो जीती हैं और जिनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिलती है कि भाई आप भी लोगों के लिए यही काम करना चाहते हैं, यही बिजली देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, ठीक है, हम भी यही करना चाहते हैं, तो हम लोग आपस में मिल करके गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है, और सरकार बना लेते हैं। दस अ कोअलिशन गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। तो कोअलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो ये दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर के सरकार बना दे तो उसे हम लोग कोअलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। 13 जनरल इलेक्शन में 1999 में ऑल दो बीजेपी जो थी, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीते थे 1999 में, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी तब, मतलब 272 सीट्स नहीं मिली थी, तो फिर कोअलिशन की सरकार बनानी पड़ी थी और उसके लिए उसको किसके साथ मिलना पड़ा, जो कोअलिशन की सरकार बनी थी उसको हम लोगों ने क्या बोला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA केम इन टू एग्जिस्टेंस। और NDA में कौन कौन था, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थी, देखो, वॉज अ कोअलिशन ऑफ द BJP द मेजर प्लेयर एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो कोअलिशन जो NDA जो थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनी थी, उसमें मेन जो पार्टी थी वो BJP थी और बाकी फुटकर पार्टीज थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट ऑफ 1999 वॉज लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो हमारे तब प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का जो लाए, पॉलिसी लाए हमारे देश में, इसमें ये वाला गाना है, स्कूल चले हम। चलो, द स्टैंडिंग ऑफ द वेरियस पोलिटिकल पार्टीज इन द 13th 1999 जनरल इलेक्शन आर गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे 1999 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आपको दिए गए हैं और आप यहाँ से क्या करोगे,
समझोगे कि 1999 का इलेक्शन के बाद कैसे सरकार बनी थी। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसको कितनी सीट मिली है, 182। तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन वाकई में मिलने कितनी चाहिए थी तो मेजॉरिटी बनती 272, मतलब 100 सीट अभी कम है भाई, तो अभी आप नहीं बना सकते हो। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को 14 सीट मिली, ठीक है, BSP, ठीक है, जिसकी मायावती वो थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी देखो 114 सीट्स मिली, जनता दल को 21, अदर्स 5। स्टेट पार्टीज़ में देखो ऑल इंडिया, अन्नाद्रमुक, ये स्टेट पार्टीज़ में मतलब जो अपने अपने स्टेट्स में रेगुलेट करती हैं, तो ऑल इंडिया अन्नाद्रमुक, AIADMK 10, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की है ना, जिसकी अभी वेस्ट बंगाल में रिसेंट इलेक्शंस हुए ना ममता बनर्जी के अंतर्गत, तो वो ये यहीं की पार्टी है। 8 हो गया बीजू जनता पार्टी, 10 द्रविड़ मुनेत्र खड़गम, ये तमिलनाडु की है, 12 इंटरनेशनल लोकसभा, 5 नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 8 पतली मक्कल कच्ची, 5 राष्ट्रीय जनता दल, 7 शिवसेना महाराष्ट्र की है, 15 समाजवादी पार्टी है ना हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार, 26 तेलुगु देशम पार्टी, 29 अदर्स, 23 और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज 10 थी, इंडिपेंडेंस 6, ग्रैंड टोटल 543। तो यार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी, लेकिन उसके बावजूद ये मेजॉरिटी जीत नहीं पाई थी। चलो बच्चों तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास में, बाकी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।